और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। फाइनली अमन भाई का वीडियो आ चुका है और थैंक यू सो मच। बहुत से लोग अभी इंस्टाग्राम पे आके भाई मैसेज कर देते हैं कि भाई अमन भाई का न्यू वीडियो आ चुका है, थैंक यू सो मच। इससे भाई मुझे काफी मदद मिलती है क्योंकि मेरे दो तीन चैनल है, तो मैं बाकी चैनल लॉग इन करके भाई उसमें से वीडियो देख लेता हूँ। तो थैंक यू यार, कसम से अच्छा लगता है। ठीक है, तो हिबी को शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स सी क्या होने वाला है अमन भाई की न्यू वीडियो में। मुझे भी नहीं पता, किंग डेविल वर्सेस जोकर एक्सूट, अरे भाई साहब कतई खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जोकर एक्सूट मतलब कि फाइनल एपिसोड। फाइनल एपिसोड तो ये नहीं है, क्योंकि भाई समझ रहे हो ना, जोकर एक्सूट। अरे भाई 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 चलो भाई, ये लोग मेरा कुछ ज्यादा ही सर दर्द कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे वाले बंदे को मैं मारने ही वाला था, पर वापस आके देखा तो वो वहाँ से जा चुका था। मुझे इतना भरोसा तो है कि वो उठ नहीं पाया होगा, जरूर उसी के दोस्त ने उसकी हेल्प करी है। अभी तक मैं इनके काफी लोग मार चुका होता, पर इनके काफी सारे दोस्त हैं जो बीच में आके मेरा काम बिगाड़ रहे हैं। अब इनको ठिकाने लगाने के लिए मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़े। भाई लिटरली इसने काफी सारे नहीं, कुछ ज्यादा ही बंदे मार दिए। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने हीरो मारे गए हो। कौन कौन नहीं मरा भाई साहब? इडिरासन, अरे नहीं वो क्या बोलते हैं, अरे मैं भूल गया भाई नाम, विंटर क्वीन, विंटर क्वीन की हस्बैंड, की हस्बैंड नहीं का, हाँ की हस्बैंड समझ रहे ना, दो वहां पर मरे गए। और भाई हमारे पोसाइडन, सॉरी पोसाइडन, अरे मैं क्या बोलूं, मैं पागल हो गया। मेरा मतलब है कि भाई हमारा फ्लेम डेविल मारा गया, उसका बेटा मारा गया, उसका बेटा भी बहुत पावरफुल था, और आई थिंक अभी कौन मारा है, अभी हमारा वो ब्लड रेवन मारा गया। तो भाई हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक विलन इतने हीरो को मार दिया भाई। अब वो दो भी हीरो ही हो गए, ब्लड रेवन और हमारा फ्लेम डेविल, क्योंकि वो हीरो की साइड से थे। ठीक है, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। अच्छा तुम जानते हो क्या करना है भाई? इसकी ये शक्ति कुछ यूनिक है ना, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि भाई टाइम ट्रैवल वगैरह, ये किसको बुला रहा है भाई? ये शक्ति कुछ खतरनाक ही है यार, ये बुला किसको रहा है? किसी को तो बुला रहा है ऐसा लग रहा है ये भाई, ये भाई का समझे। ये ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चों, कुछ दिनों पहले अच्छा भाई ये बंदा यार नाम ही डेविल है, तो भाई डेविल को ही बुलाएगा। एंगल में कुछ लोग मेरे से बच निकले थे, तुम्हें उन लोगों को ही ढूंढना है, और जैसे वो तुम्हें मिल जाए सबको ठिकाने लगा देना, और मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ जो यहाँ लिविक में मेरे से लुका छुपी खेल रहे हैं। समझ गए हो? तो अब काम पे लग जाओ मेरे बच्चों। बच्चों, अरे भाई इसका बच्चे है, इसकी माँ कैसी होगी? आई वांट टू सी हिज मॉम। ज्यादा देर के लिए वो मैजिस्टिक हिज वाइफ मुझसे छुप नहीं पाएगा। तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी जोकर, तुम्हें पोसाइडन का ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ पे ध्यान रखने के लिए अभी काफी लोग हैं, इसलिए फिक्र मत करो। और हाँ, जब मुझे पता चला कि वो एक एक करके सबको ठिकाने लगा रहा है, मैं उसी टाइम समझ गया कि वो तुम्हारे पीछे आने वाला है। लाइक एंड सब्सक्राइब, वो जल्दी करो। रेवन भी था, वो भी साथ में फाइट कर रहा था उससे, पर पता नहीं कहाँ चला गया अचानक। कोई बात नहीं, उसको भी ढूंढ लेंगे। तुम इतना बताओ कि अभी कैसे हो? ठीक हूँ, पर मेरी पीठ में बहुत तेज लगी है, इसलिए मैं अभी खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा आराम करो, मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिकर तो करनी पड़ेगी भाई। आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, आ गया। ये हुई भाई एंट्री, ये हुई एंट्री। अरे ये क्या, ये जगह पे कैसे आ गया? ओ तो तुम हो वो किंग डेविल जिसने सबकी नाक में दम करके रखा है आजकल? हाँ भाई, यही है। हाँ सही समझा तूने बच्चे, मैं वही हूँ। अरे ये सभी को बच्चा कहता है भाई, सॉरी यार। मानना पड़ेगा, छुपने के लिए जगह अच्छी है, पर इतनी भी नहीं कि मैं तुम्हें ना ढूंढ पाऊँ। तेरे डर से हम छिपेंगे, गलत सोच है तेरी। ओ! जोकर अभी के लिए यहाँ से निकल चलते हैं, वो सच में काफी पावरफुल है। तुम फिकर मत करो मैजिस्टिक, मैं इसको संभालता हूँ, तुम अपने आप को बस हील करते रहो। तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है बच्चे, अच्छा लगा देख के, चलो अब आ भी जाओ। भाई इसकी आवाज में ही वो दम है ना कि विलन की तरह, बच्चे बच्चे समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। भाई वो किंग डेविल है यार, मुझे जल्दी अपने आप को हील करना पड़ेगा, वरना कुछ बुरा हो सकता है।
रेसिंग भाई, ये भाग कौन रहा है, ऐसे कौन भाग रहा है भाई, दोनों तो ओपी बंदे, ये भागा भागी हो रहा है। अच्छा अब ये आकाश में चलो, वो मैजिस्टिक ने सही कहा था, काफी पावरफुल है ये, इतनी जल्दी इतना सारा डैमेज दे दिया इसने मुझे। क्या हो गया, किस सोच में पड़ गए तुम, डर के भागना चाहते हो क्या? अभी बताता हूँ तुम्हें। नॉर्मल फॉर्म, चलो एक लेवल ऊपर। तो तुम एक जोकर हो, तुम्हें मारने में काफी मजा आएगा। हाँ मुझे भी, तुम्हारी पेठी बनाने में। भाई इफेक्ट देख रहे हो, जैसा जो पर्पल कलर है ना, तो वैसे इफेक्ट जा रहा है। डिटेलिंग देखो भाई, डिटेलिंग, वाह भाई कितना फास्ट गया था ये, पावरफुल क्या था इसको ब्लास्ट। ओ भाई पीछे आगे काट दिया दो कर दो भाई, उसको कुछ पता ही नहीं चला यार। चलो चलो जल्दी उठो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा, इससे बेहतर कर सकते हो तुम, मैं जानता हूँ अच्छे से। अच्छा मोटिवेट भी कर रहा है भाई, तो डैमेज पहुंचाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। बहुत अच्छे, यही उम्मीद थी तुमसे, चलो अब आ जाओ मेरे पीछे। अच्छा कहाँ जा रहे हो भाई? ओ आसमान में भाई, अरे ये बादल भाई देख रहे हो, ये रियल है क्या? अरे भाई अरे कितने जल्दी, 5 मिनट जा चुका है भाई, जोकर तो अरे का मार खा रहा है। काम की नहीं हो तुम, मुझे लगा था कि अच्छी टक्कर दे पाओगे, पर तुम्हारे बस की नहीं है, तो इसीलिए अब ये खेल खत्म करते हैं। अभी आएगा भाई नेक्स्ट आएगा ना वो भाई कुछ कमाल ही होगा। ये किसने किया? अब आएगा एक्सूट, ओ फेरो एंट्री अनएक्सपेक्टेड, जेहर एटीट्यूड भाई इसका एटीट्यूड, अरे भाई जेहर यार, जब ये फाइट में आता है तो अलग ही एटीट्यूड लेके चलता है, लेकिन जब घर में होता है तो भाई बीवी के सामने इसकी हालत आए हाय हाय, कभी कभी तो भाई टीट आ जाता है, यानी कि भाई लगता है कि अरे भाई फेरो। अच्छा पता है इसका, तुम्हारा तो यहाँ पे फाइट में उतरने के लिए आए हो। फेरो तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? जब मुझे पता चला कि एवलांच और पोसाइडन पे किसी ने हमला किया है और वो सबके लिए खतरनाक है, तो यही पता करने के लिए मैं और रीडेसन इरेंगल गए थे, और वहाँ जाने के बाद पता चला कि तुम यहाँ पे आए हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। वैसे ये बताओ ये बुढ़ा कौन है और तुम इससे कैसे पिट रहे हो? अरे ये वही बंदा है जिसने एवलांच की पेटी और पोसाइडन और मैजिस्टिक को भी काफी डैमेज दिया है। ओ अच्छा अच्छा, तो इस बुढ़ाऊ भाई विंटर क्वीन को हल्के में लिया इन लोगों ने भाई, विंटर क्वीन का नाम ही नहीं लिया की वजह से हो रहे हैं सारे पंगे। चलो अच्छा है कि मैं सही टाइम पे आ गया। हाँ भाई, अब दोनों साथ में मिलकर हम इसे पीटेंगे घसीटेंगे। मुझे मारने वाला हजारों सालों में अभी तक पैदा नहीं हुआ। अच्छा है भाई। क्या पता बुढ़ाऊ कि अब पैदा हो गया हो और हम ऐसे ही तेरी कोई बेटी बना दे। वही तो बुढ़ाऊ पीटने वाला है, क्या लगता है आपको? ये भाई ये देखो भाई फॉर्म, अब बुढ़ाऊ पीटेगा। अच्छा जोकर का और एक फॉर्म है ना जो ब्लैक में है, वो इससे थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, इफ यू डोंट नो देन बता दिया। अब ध्यान से सुन बुड्ढे, अब तेरी सफेद दाढ़ी को पकड़ के अच्छा तेरी अच्छे से क्लास लगाएंगे हम। अरे भाई मेरा सफेद नहीं है भाई। ओ पोर्टल, डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते भाई
पैरों तो गया। ये भाई पॉटर से बहुत खेल खेल लिया बच्चों तुमने। अच्छा अब तुम गए। फेरो इस बार थोड़ा संभल कर रहना। हाँ हाँ समझ गया मैं, फिक्र मत करो। भाई ये कुछ अलग ही अटैक करने वाला है। ये फेरो डांस करते हुए मारेगा। ओ भाई ये तो वो गुरुजी का वो है ना, ये वाला क्या था वो। अरे भाई ब्लास्ट हो गया, तीसरा दूसरा ब्लास्ट, अब तीसरी की बारी। अरे कुछ नहीं भाई, ये बंदा तो अलग ही है इस बुढ़े की तो। ओ भाई नो, अरे भाई 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई। जोकर मैक्स फॉर्म। अरे भाई साहब बुरा लगा देख के भाई, लेकिन अच्छा भी लगा क्योंकि मैंने कहा था कि भाई जब जोकर की फाइट होने की बारी आएगी तो भाई जोकर को इतना ज्यादा पावरफुल मत दिखा देना कि भाई एक ही फाइट में मारा जाए। तो बहुत सही भाई, अच्छा लगा। थैंक यू अमन भाई, आई थिंक तुम भी मेरा वीडियो देखते हो अमन भाई। जोकर तुम ठीक तो हो? उसे छोड़, अब वो नहीं उठने वाला। जल्दी तू भी आ, तेरा भी किस्सा समाप्त करूं मैं। इसको यहां से कहीं दूर ले जाता हूं, इससे जोकर भी सेफ हो जाएगा। ठीक है तो बुड्ढे आ जा मेरे पीछे। तोड़ा के मारेगा वो विलन। भाई अमन भाई, भाई अमन भाई वीडियो काफी सही लगी, मैं भाई बयान नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। जोकर पीटा गया, मारा गया या फिर घायल हो गया, क्योंकि जोकर जो आप समझ रहे हो ना भाई साहब, जोकर ने जोकर फॉर्म लिया था जोकर को मारने के लिए, यानी कि बुड्ढे को मारने के लिए, और फॉर्म काम नहीं आया, समझ रहे हो, यानी कि बुड्ढा कितना पावरफुल है। अब मुझे ये जानना है कि आखिर इस बुड्ढे को आखिर कौन मारेंगे, ठीक है, कौन 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 मिल के इसको धोएंगे मजे से भाई, साबुन पानी लगा के। मुझे ये जानना है आखिर भाई क्या होगा लास्ट एपिसोड में। और एक चीज, जो पोर्टल खोला था उस बंदे ने, यानी कि हमारे क्या बुड्ढे ने, वो मुझे काफ़ी सही लगा। और जो मैंने भाई कहा था पिछले वीडियो में कि भाई जब जोकर और इस बुड्ढे की भाई फाइट की बारी आएगी तो भाई जोकर को इतना ज़्यादा पावरफुल मत दिखा देना कि ऐसा ना हो भाई विलन आए और जोकर का मार खाए और चला जाए, वही हुआ। काफ़ी सही लगा ये चीज़ देख के। और क्या कहना था मैं, और बुड्ढा काफ़ी पावरफुल है, अच्छा लगा भाई बुड्ढे का देख के। और भाई फेरो की कमेंट्री आई चुम्मन भाई जहर लगा। खत्म करते हैं आज का ये वीडियो, बस इतना ही। सब्सक्राइब कर देना, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। 49% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसका मतलब भाई आधे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू सो मच, आपने भाई मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज किया कि अमन भाई का वीडियो आ चुका है, इससे भाई वीडियो थोड़ा जल्दी आने में मदद होती है। तो हीबी को खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आई लव यू गाइज, बाय। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए। अरे कर दो ना, मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।